सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो गाइस आज मैं अपनी जिप्सी का जो है वो प्राइस पूरी डिटेल बताता हूँ। तो भाई जो जो चैनल पे नए हैं तो उनके मैं बता दूँ, भाई ये मैंने जिप्सी अभी पूरी तैयार कराई, इसकी पूरी सीरीज चैनल पे डली हुई है, तो आपको अगर देखनी हो तो आप जाके देख सकते हो। अगर आप भी प्लान आउट कर रहे हो जिप्सी का तो मैंने पूरी डिटेल्स में वीडियो बना रखी है। तो भाई मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आप प्राइस नहीं बता रहे, तो भाई काम ही पूरा नहीं होता, मतलब देखे तो अभी लगभग काम हो गया है, सिर्फ अलॉय टायर बचे हुए हैं, तो इसलिए मैं पूरा आपको डिटेल में प्राइस बता रहा हूँ। तो भाई जो हल्का फुल्का रह जाए वो देख लेना, पर मैं ओवरऑल आपको प्राइस बता, रफली आइडिया मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर फिर भी जो जो मैं आपको बता देता हूँ। आगे शुरू करते हैं भाई। तो भाई पहले तो सबसे पहले जिप्सी मैंने ये ली थी 260,000 या 65,000 के अराउंड, जिसमें मेरी ये पूरी जिप्सी और नंबर रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ था। इसके बाद भाई इसके 20 या 25,000 में पेंट का खर्चा आया था, और मैंने फिर इसकी जो चेसी है वो पूरी पेंट कराई थी, एंटी रस्ट वगैरह, अंडर बॉडी, वो सब 15 उसमें आया था। तो मतलब 3 के अराउंड तो सिर्फ यही काम हो गया था। उसके बाद भाई ये बम्पर अगले पीछे वाले 10,000 के आसपास ये बम्पर पड़े थे। उसके बाद ये ग्रिल वगैरह भाई ये तो सस्ती सी हैं। फिर ये शीशे मैंने आपको बता दिए थे, 550 या 600 रुपये के शीशे थे। उसके बाद भाई 4,000 रुपये की मेरे को ये सीट पड़ी थी दोनों बैक साइड पे। मैंने यहाँ पे ये हुक लगवाया था, तो 2500-3,000 के आसपास ही हुक मिल जाता है, तो आपके ऊपर है। फिर इसमें टायर अभी स्टॉक ही हैं, स्टॉक में भी एक साइज़ बड़ा है, तो पर ये पहले से थे इस जिप्सी में, तो इसका कोई कॉस्ट नहीं है अभी। इसमें अलॉय जब डलेंगे वो जब की बात है। फिर 1500 रुपये का इसका सॉफ्ट टॉप था, और वो जो कम्प्लीट वाला वो सब टोटल मिला के 4,000 रुपये के थे दोनों। उसके बाद भाई इंटीरियर में इसका मैंने डैशबोर्ड चेंज करवाया था, ये भी आया था 2500 के आसपास, और 2000 रुपये का इसका मीटर आया था। स्टेयरिंग अभी बचा हुआ मैंने आपको बता दिया, वो भी 1000-1200 रुपये का, ज़्यादा महंगा नहीं है। फिर ये सब डोर हैंडल वगैरह ये सारी चीज़, फिर भाई ये सीट कवर वगैरह, अब ये सब तो छोटे मोटे, अभी इसका क्या डिटेल में बताऊँ। और गाइस जो इसमें पावर स्टेयरिंग लगवा रखा है, तो पावर स्टेयरिंग पड़ा था मेरे को अराउंड, वो 15 बोल रहा था, पर शायद 13 या 14 का पड़ा था, एग्जैक्टली याद नहीं, पर इतने के आसपास था। तो इसमें स्टेयरिंग इंक्लूड नहीं है, सिर्फ पावर स्टेयरिंग है। तो बस भाई फिर इसमें मेन जो अब हमने ऑडियो का सेटअप कराया, इसमें मेरे लग गए 10-12 हज़ार रुपये, ये एम्प वगैरह सब कुछ मिला जुलू के, मतलब एम्प पहले से था, पर ओवरऑल कॉस्ट चेक देखो 10-12 हज़ार के आसपास इसमें खर्चा आ गया, स्पीकर वगैरह सब मिला के। ये स्टीरियो मेरे पास पहले से था, और ये 4x4 की शाफ्ट वगैरह पड़ी थी, तो मतलब सारी चीज़ बेसिक शुरू से आखिरी तक सारी करा दी थी इसकी। तो इसमें ओवरऑल अभी तक 360,000 या 370,000 रुपये हो चुका है बिना अलॉय टायर के। अभी जिसमें अलॉय टायर बचे हुए हैं और एसी बचा हुआ है, तो वो सब मिला जुलू के ये पड़ेगी 4.5 लाख रुपये की। तो भाई इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर है 2011, और इसका जो रजिस्टर्ड है वो 2022 है, अभी पिछले महीने मैंने कराया, आपको पता ही है। तो भाई अगर इसमें आप रैली कैबिन बनवाना चाहो ना, तो 10 या 15 हज़ार रुपये का खर्चा वो आ जाता है। तो रैली कैबिन अभी मेरे को तो ओपन चाहिए थी इस बार सॉफ्ट टॉप, तो मैंने इसलिए वो नहीं करवाया। तो बाकी ओवरऑल देख लिया भाई, ये स्टिकर वगैरह तो छोटा मोटा काम है, तो इसके तो क्या ही प्राइस है। तो भाई एक रफली आइडिया, अगर आप 11 मॉडल ले रहे हो और पेंट वेंट सब खुद करा रहे हो, तो आपको 3,500-3,700 के आसपास मिल जाएगी, इससे ऊपर तो भाई मत ही देना। मैंने तो नीचे जैसे अंडर बॉडी पेंट एक्स्ट्रा कराया, तो ये सारे काम बढ़वा दिए थे ये। अब इसमें इंटीरियर वगैरह तो हो नहीं सकता, जैसे छत पे तो वो है ही नहीं, तो जो होए अब जैसे रैली केबिन हो तो इसमें ये इंक्लूड हो जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो भाई मैं अभी थोड़ी गंदी हो रखी है, माइंड मत करना, अभी ऑडियो का काम हुआ था। तो भाई ये और अभी फिल्म वगैरह में अभी चढ़ा गया, उससे लुक आ गया। तो भाई अपनी ऐसे ही लग रही है, अब मैंने आपको प्राइस का बता दिया, तो एक शॉर्ट एंड सिंपल बस मैंने प्राइस के लिए वीडियो डाली है, तो ये आपसे इसको आइडिया लग जाएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं ऐसी वीडियो में, टिल देन बाय।